अस्सलामुअलैकुम, मेरा आज कहना था कि क्या मैं बन खा रही हूँ चिकन कढ़ाई। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बैचलर्स हैं या बाहर रहते हैं, जो अकेले काम करते हैं, तो उनके लिए है कि मैंने आज स्पेशल बनानी है। और इसको अभी मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए रख दिया। एक किलो मैंने चिकन किया था, इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। अभी ये फ्राई हो रही है और भी इसमें हल्का सा मैंने नमक डाल दिया। इसमें बहुत सिंपल रेसिपी है, सिर्फ टमाटर से बनेगी और अदरक इसमें डालेंगे। अन्य अदरक और हरी मिर्च अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएगी फिर मैं इसको उतार लूँगी। एक किलो चिकन में मैंने 3 पाव टमाटर डाल दिए, ये डालने हैं। और आप ये ध्यान में रखें कि अगर 1/2 kg आपके पास चिकन है तो 1/2 kg से थोड़ा सा कम टमाटर डालना है। 1 kg है तो उसमें 3 पाव, यानी एक उसमें से पाव कम डालना है आपके टमाटर। ये टमाटर में बनने वाली बहुत ज़बरदस्त डिश है। ये भी अभी मैंने चिकन में डाल दिया है टमाटर, 3 पाव टमाटर डाल दिया। अब इसमें 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon डालने आप नमक, इसमें लाल मिर्च बिल्कुल ही कम इस्तेमाल होगी। इसमें भी आप 1 kg है तो 1 teaspoon डाल दें, 1/2 kg है तो आप 1/2 teaspoon डाल दें। और इसमें काली मिर्च का भी 1 teaspoon डालना है। काली मिर्च से ये बनने वाली होती है, 1 teaspoon से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हंसते मनचा आप डालें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हल्की आँच पर इसको ढक्कन लगा के बंद कर दें। बस अब इसको मैंने ढक्कन बंद करके बंद कर दिया, हल्की आंच पर रख दिया। और ये 15 मिनट में तकरीबन इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच हिलाना है और ये अपने ही पानी में गल जाएगी, इसके अंदर ही टमाटर भी हल हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त डिश है और 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाली है। और सिंपल, आसान और बहुत ही डिलीशियस यानी मज़ेदार किस्म की ये डिश है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली वो बच्चे जो बैचलर हैं, अकेले रहते हैं, वो खुद बनाते हैं खाना, तो ये उनके लिए बहुत आसान रेसिपी है और उनको मज़ा आएगा जब ये बनाएंगे, खाएंगे, इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अब इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा आपने 1 teaspoon डाल देना, ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसमें इसका जायका बहुत खूबसूरत आएगा। और अदरक इस तरह से ये कटी हुई थी, ये मैंने सारी डाल दी। अच्छी अदरक थी, मतलब सही, जितना आप डालना चाहें ये उतना। और इसी में ही हरी मिर्चें हमने ये डाल देनी, 6 हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी, बारीक बारीक अदरक। अब इसको थोड़ा सा चम्मच हिला के ढक्कन बंद करके 2 मिनट के बाद उतार लेना। ये जी ज़बरदस्त गरम गरम कढ़ाई, चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी, जो सिर्फ मैंने टमाटर में हरी मिर्च, अदरक और सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी, इसमें जायका जितना आपको पसंद है वो डाल के बनाई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त जल्दी तैयार हो जाने वाली कढ़ाई है और आप वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये स्पेशल डिशेज़ में से एक डिश है।